हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPN Education पर। आइए आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन भाग तीन के विषय सूची के बारे में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन भाग तीन में जो है हम लोगों को कौन कौन सा अध्याय का अध्ययन करना है, किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी अध्याय को देखते हैं, क्या क्या हम लोग को इस सामाजिक अध्ययन के भाग तीन में पढ़ना है। जैसा कि विषय सूची आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें इकाई जो पहला इकाई है उस पहले इकाई में दिया हुआ है पृथ्वी हमारा घर, है ना। तो पहले इकाई में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय दिया हुआ है पृथ्वी हमारा घर, ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरे में दिया हुआ है, दूसरा अध्याय है हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप। तो पृथ्वी का प्रतिरूप आप लोगों को पता है ग्लोब होता है ना। तो दूसरे अध्याय में हम लोग ग्लोब के बारे में अच्छी तरह से गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा दूसरा इकाई शुरू होता है हमारा देश भारत। दूसरे इकाई में हम लोग अपने देश के बारे में जो है किस प्रकार की वेशभूषा है हमारे देश की, खान पान क्या है, किस तरह का व्यवसाय है हमारे देश में, किस प्रकार का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इकाई नंबर दो में देखेंगे। तो तीसरा हमारा अध्याय है हमारा देश प्राकृतिक रचना, ठीक है, हमारे देश की रचना किस प्रकार से हुई है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा नंबर अध्याय है हमारे देश के राज्य, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला अध्याय है पाँच नंबर हमारा खान पान, ठीक है, हमारे देश में जो है हम लोग भारत में किस प्रकार के भोजन को खाते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद छः नंबर पर अध्याय है हमारी वेशभूषा, हम लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, इस अध्याय में हम लोग वेशभूषा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग सातवें नंबर पर दिया हुआ है हमारे त्यौहार, तो हमारे देश में किस किस तरह के त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, उन सभी त्यौहार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आठवां अध्याय है हमारे व्यवसाय, ठीक है, तो हमारे देश में किस किस प्रकार के व्यवसाय हैं, ठीक है, लोग यहाँ के जो आम जनता जो हैं वो किस किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, उन सभी व्यवसाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला अध्याय है यातायात के साधन, ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जो है हम लोग को यातायात के साधन की आवश्यकता होती है, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, है ना, ऑटो रिक्शा हो गया, रेलगाड़ी हो गया, है ना, फिर हवाई जहाज हो गया, पानी वाला जहाज हो गया, है ना। तो यातायात के साधन में हम जितने भी यातायात के रूप में साधन का प्रयोग करते हैं उन सभी साधनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा दसवां नंबर अध्याय है संचार के साधन, तो इसमें हम लोग सूचना को जो है संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर किस किस विधि के द्वारा पहुंचाते हैं, तो इस अध्याय में हम लोग संचार के साधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला अध्याय 11 नंबर हमारे सहयोगी, यानी कि हमको हेल्प करने वाले हमारे सहयोगी कौन कौन है, जैसे मान लेते हैं कि डॉक्टर जो है वो हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं, एक शिक्षक हैं वो हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं, एक पुलिस अधिकारी है वो हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं, एक डाकिया है तो वो किस प्रकार हमारी सहायता करता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे अध्याय नंबर 11 में। उसके बाद हमारा अगला अध्याय है ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका, ठीक है, तो इस अगले अध्याय में हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है और कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में। उसके बाद हमारा अगला इकाई है इकाई नंबर तीन, जिसमें दिया हुआ है हमारे चार महानगर, ठीक है, हमारे देश में कुछ महानगर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें 13 नंबर अध्याय है मुंबई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 14 नंबर अध्याय है चेन्नई के बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। उसके बाद अगला अध्याय है 15 नंबर कोलकाता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला अध्याय है दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी एकत्रित करेंगे, है ना। उसके बाद चौथे नंबर इकाई शुरू होता है मानव की कहानी, यानी कि आदि मानव जो आदि मानव रहते थे हम लोग से पहले, तो वो कैसे कैसे उनका विकास हुआ, इसमें दो अध्याय आपका दिया हुआ है, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 17 नंबर आपका अध्याय है आदि मानव का जीवन
का पहला भाग 1 दिया है और उसके बाद फिर 18 नंबर अध्याय में दिया है आदि मानव का जीवन भाग 2। तो इस दोनों भाग 1 और भाग 2 में हम लोग आदि मानव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आदि मानव के बारे में जानेंगे कि पहले के लोग किस प्रकार रहा करते थे और धीरे धीरे किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हम लोग धीरे धीरे जो है आगे की तरफ विकसित करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन भाग 3 के विषय सूची के बारे में देखें कि हम लोग को इस बुक में जो है सामाजिक अध्ययन के भाग 3 में जो है क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।